एक शहर के पास एक छोटे से गांव में एक सुरेश नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत ही सज्जन व बुद्धिमान था। एक दिन सुरेश घर के बाहर बैठा हुआ था। उसने सोचा, चलो कुछ सामान शहर से दुकान के लिए खरीद लाता हूँ और इसे यहाँ बेचकर मुनाफा कमाता हूँ। वह सुबह सुबह उठकर अपने घर से शहर के लिए निकल पड़ा। शहर और गांव के बीच में एक भूतिया जंगल था। यह कहावत थी कि उस जंगल में रात में भूत घूमते हैं और आने जाने वालों व्यक्तियों को मार डालते हैं। सुरेश उस जंगल से फटाफट निकल गया। सुरेश शहर पहुंचा और अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए निकल पड़ा। सुरेश को सामान खरीदते खरीदते शाम हो गई, इसलिए वह जल्दी जल्दी सामान लेकर अपने गांव के लिए निकल पड़ा। वह भूतिया जंगल से शाम को गुजर रहा था। वह जल्दी से जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी चलते चलते उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इतनी रात को इस जंगल में कौन रो रहा है? वो तुरंत भागकर बच्चे के पास गया और बोला, अरे तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? अरे मैं जंगल में खो गया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? चलो तुम मेरे साथ चलो। वे दोनों फटाफट जंगल से बाहर निकलने लगे। चलते चलते उसने देखा कि वो लड़का गायब हो गया। उसके सामने एक भूतनी आ गई। मैं तुझे मार दूंगी, सुरेश कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर बाद जोर जोर से हंसने लगा। अरे मूर्ख, मौत तेरे सामने खड़ी और तू हंस रहा है? अरे मैं भी तो तुम्हारी तरह ही एक भूत हूँ। तुमने बच्चे का रूप लिया हुआ था और मैंने आदमी का रूप ले रखा है। अरे हम दोनों तो एक जैसे हैं। चलो दोनों सब साथ किसी इंसान को ढूंढते हैं। वो दोनों साथ में चलने लगे और बातें करने लगे। भूत ने सुरेश की सभी बातों पे यकीन कर लिया कि वो भी मेरी तरह एक भूत ही है। क्या तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता? हाँ, मुझे पानी से डर लगता है। मैं पानी के पास कभी नहीं जाती हूँ। अच्छा, मुझे तो पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तभी सुरेश ने अपने सामने थोड़ी दूर पे एक नदी देखी। सुरेश ने तेजी से भागकर वह नदी पार कर ली। अरे मित्र, तुम टाटा टाटा क्यों कर रहे हो? अरे बेवकूफ, मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ। अब तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते, तुम हो बेवकूफ भूत। और भूत
को गुस्सा आया और जंगल में वह लौट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि बुद्धिमत्ता व संयम से काम लिया जाए तो व्यक्ति उन परिस्थितियों से भी आसानी से बाहर आ सकता है। जिस प्रकार सुरेश ने हाय गाइस, मैं कुमाना सिंह हूँ। हमारा एक दूसरा भी चैनल है, उसका नाम ऑनलाइन तैयारी विथ कुमाना सिंह है और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो हम डाले हैं। मैथ की शॉर्ट ट्रिक है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, तमाम सब्जेक्ट जो है सबकी जानकारी इसमें दी गई है दोस्तों। और इंग्लिश के भी अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन के नियम भी दिए गए हैं और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर पधारिए, यूट्यूब में जा करके ऑनलाइन तैयारी विथ कुमाना सिंह सिंपली टाइप कीजिए, लिख दीजिए और सर्च मारिए, हमारा चैनल खुल जाएगा और इस तरह से लिखा होगा, नीले कलर में लिखा होगा और उसके बाद आप सब्सक्राइब मार दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को आप एक बार जरूर देखिए, बहुत मजा आएगा इसमें। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। कीप ऑन वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक्स फॉर इट। ओके, जय हिंद। परिचय देते हुए उस भूत को बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचाई। यह सुरेश की बुद्धिमत्ता और संयम का ज्वलंत उदाहरण है। हेलो दोस्तों, मेरा दूसरा चैनल ऑनलाइन तैयारी विथ मना सिंह है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कुछ वीडियो भी डाल दिया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके।